गांव की तरफ से भी सबसे पहले मैं ग्राम पाणा की तरफ से भारत आए सभी अतिथियों का, हमारी बेटी, हमारे बड़े भाई मनोहर हसन साहब की पुत्री जो कैराना लोकसभा से वर्तमान में समाजवादी पार्टी ने सांसद की प्रत्याशी बनाई है, वो आप लोगों के बीच में है। और जैसा आप लोगों को पता है, ये जो तानाशाही सरकार चल रही है, ये CBI, ED, इनकम टैक्स आदि आदि संस्थाओं का डर दिखाकर आदि आदि संस्थाओं के द्वारा वसूली कर रही है। अभी एक इलेक्ट्रोरल बॉन्ड का मामला आया था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि सभी पार्टियां अपना ब्यौरा दे कि किस किस पार्टियों के पास में ये धन कहां कहां से आया। तो सबने जो ब्यौरा दिया, पहले तो इन्होंने उस बात को पीछे हटाने का प्रयास किया कि हमें जून जुलाई तक का समय दे दो, सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। तो इनकी बात को न मानते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक का इनको समय दिया था। तो उसमें जो इन्होंने ब्यौरा पेश किया, तो 500 करोड़ रुपए तो जो वैक्सीन लगाने वाली कंपनी थी, इस कंपनी के द्वारा वो एक उगाही और वसूली थी। अब जबरदस्ती वैक्सीन सबके लगवाई गई, अब वैक्सीन के दुष्परिणाम आप सब लोगों के सामने हैं। जो आ रही जो बच गया वो ठीक रहा, जिसने लगवाया तो बहुत गलत हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कह रहे थे कि भाई ये जो है वैक्सीन का विरोध कर रहे, ये देश के दुश्मन है। इस तरीके से जो इनके खिलाफ बोलता है, सच्चाई बताता है, उसको ये देश का दुश्मन होता है। अब अगर ये सरकार इसी तरीके से आगे चलती रही, आप लोगों ने आप एकजुट हो गए, सरकार के खिलाफ वोट ना किया, तो ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत दुष्परिणाम होंगे। जो आने वाला समय है, आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, वो बर्बाद हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो लोग हैं, अगर ये स्थिति चलती रही तो चुनाव भी बंद कर देंगे, एक कानून बना देंगे कि भाई चुनाव नहीं होगा 2000, जैसे मोदी जी कह रहे 50 तक हम ही रहेंगे। भाई जब सारा तंत्र उनके हाथ में होगा, कभी तक रहेगा कोई बात नहीं, फिर देश में जो है क्या होगा भाई। जैसे वो जब तानाशाही हावी हो जा तो फिर जो है क्रांति का जन्म हो, क्रांति सबके लिए खतर हानिकारक हो भाई, उसमें पता नहीं कौन कौन मरे, किस किस के लिए नुकसान हो, उस चीज का देश गड्ढे में था, उसके बाद में इनके घर नहीं गया। सच्चाई तो बात ही है, उसको भी मुझे ऐसी लगती है, मुझे MP साहब की छवि इनमें नजर आती है, ये लगता है ये कुछ करेगी। पढ़ी लिखी है LLM लंदन से, और एक पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति को अगर मौका मिलेगा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का, तो वास्तव में जो है उसके परिणाम अच्छे होंगे। एक तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि जिस